खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ले चलते हैं आपको कुछ खास खबरों की। बता दें कि पूरे भारत देश में पीएम मोदी के आह्वान के अनुसार घरों में दीप जलाए गए और दीप से ऐसा भारत जगमगाया जैसे लगा कि दिवाली का त्योहार आ गया। आइए दिखाते हैं खबर 7C की कुछ खास रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? राम प्रताप प्रजापति। ये बताइए, आप दीपक आज जो जलाया गया किस लिए जलाया गया, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? ऐसा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा है जी कि ये जो कोरोना का विषय है इसको भगाने के लिए, पूरे देश में जो महामारी फैली है उसको भगाने के लिए, और ये आज जो दीपक हम लोग जलाए हैं ये हमारे लिए और हमारे देशवासियों के लिए एकता का प्रतीक है, इसलिए आज जो है दीपक जलाने का ये सौभाग्य हम लोगों को मिला है। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा बात आपने बताया। अभी तक जितने लोगों ने पूछा कुछ ने बोला कोरोना भगाने के लिए किया गया है। नहीं नहीं, हम लोग नहीं जानते, मोदी जी कहे हम लोग जला रहे हैं। मोदी जी ने कहा है तो कुछ तो बता। अब उन्होंने कहा जलाइए, बात खत्म। हम लोग ज्यादा सोचने का काम नहीं करते हैं साहब। जो प्रधानमंत्री ने बोला वो अब बस वही होगा। कोई आपको जानकारी नहीं, कुछ जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, आपने देखा इनका कहना कि जो मंत्री प्रधानमंत्री जी बोले वही काम करेंगे। अच्छा भैया, बताइए आपको क्या राय, आपकी बताइए इसके लिए। नहीं, मोदी जी ने जो शुरू किया ये, मतलब इनका जो राय थी बहुत अच्छा उन्होंने किया ये जी। तो किस लिए किया, कोई जानकारी हो क्यों दिया, दीपक क्यों जला जा रहा है? तमसो मा ज्योतिर्गमय, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, अंधकार से प्रकाश की तरफ। तो कोरोना रूपी अंधकार को चीर के हम प्रकाश की तरफ बढ़ेंगे, मोदी जी का कहना यही था और उसका हम पालन कर रहे हैं। और ये बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या जी? आपका नाम क्या है? सनी सिंह। बताइए ये किस मोदी जी ने बोला आह्वान किया है, इसके आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? इससे ये प्रतीत होता है कि हम लोग साथ साथ हैं जी, इस लड़ाई में हम साथ में हैं। सब लोग को अपना परिचय दे रहे हैं कि हाँ भाई साथ में है, लाइट जला के दीप जला के सब परिचय दे रहे हैं। ये कहना है मोदी जी का कि जो आप ये दीपक जला रहे हैं उसका मेन मकसद ये है कि कम से कम आप एकजुट हैं और आप एकजुटता दिखाइए और काम करिए। धन्यवाद। और देखिए, इसमें हम लोग राम जानकी मंदिर के पास उपस्थित हैं। यहाँ पर भी सभी लोग देखिए, कुछ लोग यहाँ पर तो दीपावली के साथ साथ जो पटाखे भी वो भी जला रहे हैं, और ये प्रधानमंत्री द्वारा जो आह्वान किया गया उसके लिए समर्थन किया जा रहा है। आइए, कुछ यहाँ उपस्थित हैं उसे भी जानकारी चाहते हैं। और भैया, अपना परिचय बताइए। रुपये जायसवाल भैया। ये बताइए, आज आप जो दीपक जलाएं इसके लिए आप क्या, ये किस लिए जलाएं, इसके बारे में बताएं। भाई, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का आदेश भी था और एकजुटता का प्रतीक है। आप ये कोरोना से मिलजुल के लड़ेंगे जी, और बाकी नीरज भाई हैं और अच्छा बताइए हमारे यहाँ के अनिल जी हैं। ये बताइए आप किस लिए यहाँ पे आज जो ये दीपक क्यों जला रहे हैं आप, इसकी जानकारी दीजिए। ये हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर जलाया जा रहा है। ये हमारे पूरे विश्वव्यापी नेता हैं मोदी जी जी, उनके आह्वान पर जलाया जा रहा है ये दीपक। चलिए चलिए, बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं इस सब पूरे जगह लाइट बंद है इसमें, और दीपक हर जगह जल लग रहा है कि दीपावली आ चुकी है आज के दिन। हम चाहते हैं कि सभी लोग एकजुटता दिखाएं, इसके लिए प्रधानमंत्री योगी जी ने जो आह्वान, मोदी जी ने आह्वान किया हुआ है कि कम से कम दीपक जलाएं और सब एकजुटता दिखा। लेकिन भाई साहब, ये बताइए, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखिए, कोरोना रात में फैलता है, दिन में ही नहीं फैलता, रात में फैलता है ये वायरस। धन्यवाद। किया हुआ है पूरे मड़ियाहू बाजार के लोग यहाँ पे दिया जला के मंत्री के द्वारा जो आह्वान किया था गया था उसके लिए सभी लोग पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। आइए, कुछ लोग यहाँ पे, उनसे मैं जानकारी चाहता हूँ। ये भैया बताइए, आपका नाम क्या है? मनीष कुमार जायसवाल। ये बताइए, आज जो आप दीपक जलाएं उसके लिए आप क्या कहना चाहिए, किस लिए दीपक जलाएं आज? ये हम लोग प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे हम लोगों ने उनका जो इसमें लगे हुए सबका मनोबल बढ़ाने के लिए जी, जी। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए किया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सही बोला। और भाई साहब बताइए कि आप भी यहाँ पे दीपक जलाए हुए हैं? जी जी, हम भी दीपक जलाए हुए हैं। चलिए चलिए, ये तो आपका नाम क्या है? राजन कुमार गुप्ता। तो ये किस जलाया, आपको कुछ जानकारी किस जलाया गया हुआ है? जी, ये मोदी जी के नेतृत्व जलाया गया है, मोदी जी ने इसके लिए बोला था जलाने के लिए जी जी, 9 मिनट के लिए, 9:09 के लिए। तो किस लिए बोला, कोई जानकारी क्यों जलाने के लिए बोला गया था? ये जो है कि सब मतलब डॉक्टर और पुलिस इस सब के लिए, मतलब उन लोग को प्रेरित करना है। हाँ, चलिए, बहुत धन्यवाद। लेकिन ये इसमें जला गया था कि कम से कम हम एकजुटता बनाए रहें और सभी लोग एकजुट रहें, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है इसके लिए अगर हम एकजुट रहेंगे तो हमारा मनोबल अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली हम इसमें विजय प्राप्त कर सकेंगे। अब यहाँ पर लड़कियाँ भी, उनसे मैं जानकारी चाहता हूँ। बताइए आप लोग क्यों जलाएं दीपक? बस
9:09 पे दीपक जलाने के बोले हैं। बस हम लोग की सहायता के लिए, जैसे कि हम लोग अपने आप मतलब कि जनता की सहायता अपने आप से ही कर सकते हैं। अगर हम एक दूसरे को सहायता कर सकेंगे तभी, जैसे कि हम एक साथ इकट्ठा होंगे। लेकिन आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और मास्क जरूर लगाएं। कोरोना रात को ही फैलता है, ये नहीं कि दिन में केवल कोरोना फैलता है। अब रात को ही मास्क लगा के रखें। चलिए, इसका धन्यवाद।